हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का सेकंड सेट का पेपर खत्म हो चुका है। कैंडिडेट बाहर आज आ रहे हैं, तो चलिए उनसे बातें करते हैं कि सेकंड सेट पेपर का क्या अपडेट है। एंड ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए डू सब्सक्राइब पटना लाइट। कैसा है पॉइंट, कैसा आया? पॉइंट अच्छा था, आसान था, रीजनिंग टफ था थोड़ा। रीजनिंग टफ था, रीजनिंग कॉम्प्लिकेटेड बनाने के पीछे का क्या कारण है, मतलब किस तरह क्वेश्चन सेट आए हैं? पता नहीं भाई, मैं तो पहला बार दिया हूं। फिर भी कुछ आइडिया नहीं लगा क्या? मतलब रीजनिंग मतलब ठीक था, रीजनिंग ठीक टफ था, मतलब टफ था। किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे थे? मेरे को रीजनिंग पजल वाला ज्यादा टफ था, ज्यादा टफ लगा। कितने क्वेश्चंस आपके बन पाए रीजनिंग में? रीजनिंग में मेरे बने थे 20 के आसपास। 20 के आसपास। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सीन रहा? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आसान था, ज्यादा टफ नहीं था। उसमें आपके कितने अटेम्प्ट हुए? उसमें हुए मेरे 22 के। 22। एंड किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं? क्वांटिटेटिव उसमें एप्रोक्सीमेशन का 5 एप्रोक्सीमेशन थे। ओके, और सिंप्लीफिकेशन वाला भी था। लगभग कितने उसके थे? 5-6 क्वेश्चन, इजी इजी थे और अच्छे थे। ओके, एंड व्हाट अबाउट अर्थमेटिक्स? अर्थमेटिक के भी थे, 2-3 थे। ये प्रॉफिट लॉस वाला इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप पे था। अच्छा, और एक क्वेश्चन था वो डीआई का, आसान क्वेश्चन था। एक ही डीआई था? हाँ, मतलब डीआई मेरे वाले सेट में तो एक था, आसान था, और दूसरा वाला टफ था। दूसरा वाला टफ, दो डीआई मतलब था। ओके। एंड जो इंग्लिश में किस किस टॉपिक से था? इंग्लिश तो बहुत इजी है। किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए? इंग्लिश में पैरा जंबल था। ओके, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन का था। दो कॉम्प्रिहेंशन था, एक में मिसिंग वर्ड लिखना था और दूसरे में असली कॉम्प्रिहेंशन पैसा था, मतलब जिसमें स्टेटमेंट वगैरह जो दिया रहता वो था, और एक वो बोल्ड वाला। और फिर 3 क्वेश्चन वैसा था जिसमें 2 इनकरेक्ट और 1 करेक्ट चूज करना था हम लोगों को, 4 क्वेश्चंस में, 4 उसमें ऑप्शंस में से। ओके, आप कितना क्यों हेजिटेट कर रहे थे? इतनी सी तो आपकी प्रिपरेशन है, आपकी बात ही लगी यार, यू आर डूइंग ग्रेट। कितने अटेम्प्ट के टोटल? मेरे हुए 55। 55 सैटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट है, डोंट वरी। आई विल कैप मेंस लिखो, विश यू लक। थैंक यू। देखिए, लगभग किया मैंने, बट मतलब लाइक जितना मेरे से हो सका मैंने। ओके, एंड क्वांटिटेटिव एटीट्यूड कैसा रहा आपके लिए? ठीक था, सही था। सेक्शंस मतलब क्वेश्चंस जैसे आते हैं वैसे ही पूछे गए। ओके, एनी डिफिकल्टीज जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, कुछ ऐसा टॉपिक जिससे आपको थोड़ी डिफिकल्टी हुई? नहीं, लगभग जो वही प्रैक्टिस पे आपके डिपेंड करता है, सबसे मेन प्रैक्टिस है उस पे डिपेंड। नो डिफिकल्टीज? नहीं नहीं। डीआई किस टॉपिक पे बेस्ड मिला आपको इस सेट में? लाइक सबसे लाइक टच किया गया है, सबसे। हां, सबसे टच किया गया है। एंड रीजनिंग में? रीजनिंग में भी सबसे टच किया गया था, लाइक सब चीजें। हां, इंग्लिश? इंग्लिश में वही आपको जो आता है ना करेक्ट करने के लिए, और इनकरेक्ट आपको पता करना होता है सब्जेक्ट से या फिर वर्ड्स को पता करना होता है। ओके, जो भी गलत होता है। ग्रेट, आई विश कि आप मेंस लिखो, विश यू लक। पेपर ठीक किया भैया, इजी ही था कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर इजी? हां। तीनों सेक्शन इजी लगा या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं, तीनों मेरा 69 अटेम्प्ट था। 69 अच्छा अटेम्प्ट करा मेरा। 78 अटेम्प्ट है। 70 समझ गया। ओके, आप थोड़ा बताइए क्वांटिटी एप्टीट्यूड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा अभी के सेट में? क्वांटिटी एप्टीट्यूड में मेरे हिसाब से बहुत सही था, मतलब अप्रोक्स उसमें आप 25 प्लस सब में बना सकते थे। 25 अप्रोक्स बना सकते थे, मतलब बेस्ट स्कोर है 25 के आसपास। ओके, इसलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा कमी मारे, बहुत लोग 30 भी मारे हुए हैं। पूरा अटेम्प्ट इंग्लिश में एक्चुअली इजी ही था, लेकिन हम थोड़ा सा कि एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। एग्जैक्टली, बाकी ओवरऑल पेपर सही था लास्ट ईयर कंपेयर टू। आप हमें बताएंगे रीजनिंग का किस किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे अभी अभी के सेट में? रीजनिंग में पजल था, 2-3 पजल था। पहला पजल मैंने उठाया, वो फंस गया, मैंने छोड़ दिया उसको। अच्छा, कितना टाइम जाया लगाया उसमें? उसमें मैं 1.5 मिनट में लगा कि फंस रहा है, आगे बढ़ गया। अच्छा, छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 2 पजल बनाया, दोनों बन गया इजीली। 24 अटेम्प्ट मेरा पूरा था, 24 रीजनिंग में, केवल रीजनिंग में। ओके, एंड क्वांट में डीआई कितने थे, 2 थे या फिर 1 थे? डीआई 2 थे, बने कितने? मैंने दोनों डीआई बनाया, लेकिन डीआई का एक डीआई में ना क्वेश्चन बहुत टफ था, तो उसमें 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? सॉरी, कितने क्वेश्चन डीआई रिलेटेड थे? 5-5 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। ओके, किस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे? एक तो टेबुलर डीआई था। ओके, दो एक टेबुलर था। और एंड व्हाट टू कैलकुलेट, परसेंटेज या फिर कुछ रेशियो? एक का मतलब एक का मतलब दिया था, परसेंटेज था। परसेंटेज? हां, परसेंटेज। ओके,
जो DII था, वो जो DII का जो टॉपिक था, वो किस टॉपिक से रिलेटेड DII था? टॉपिक एक था मे बी ट्रेन रिलेटेड, ट्रेन रिलेटेड, और हाँ ट्रेन ए और बी का दिया हुआ था टोटल, उसमें से ए का परसेंटेज दे दिया था परसेंटेज वाइज, और आप ए का परसेंटेज फिर निकाल लीजिए, फिर बी का भी निकल जाएगा। और एक मैंने केसलेट भी बनाया था जो कि लगभग ABC था, तो उसमें ABC लोग ODI T20 और टेस्ट खेल रहे थे, उस पर बेस्ट था, इजी था केसलेट। मैंने सब लेकिन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करा। ओके, पैसेज जो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो किस टॉपिक से रिलेटेड था, कुछ याद आ रहा है? मैं पैसेज नहीं कर पाया। वो पैसेज एक्चुअली रिलेटेड था इंग्लिश में, वो आपका रिसेशन के ऊपर था। अच्छा, इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक रिसेशन के लेकर के वो एक कंपनी को वो दिया हुआ था, जैसे यू कंपनी था उसको रिसेशन कैसे आया, वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह आपका नहीं था यूक्रेन और रशिया को लेकर के, उसके वजह से रिसेशन वगैरह इससे रिलेटेड था। ओके ओके, लास्टली आई वांट टू आस्क, अगर ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे फ्रॉम इजीएस साइड टू टफर साइड, तो क्या रहेगा तीनों सेक्शन का? तीनों सेक्शन का एक्चुअली इंग्लिश था, मॉडरेट हम बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा मतलब फिर भी तीनों अरेंज करना है, एक आपको सबसे इजी रखना है, फिर एक्चुअली मेरा जो बेस्ट गया मेरा मैथ गया, हाँ फिर उसके बाद इंग्लिश गया ज़्यादा अटेम्प्ट के हिसाब से, फिर उसके बाद रीजनिंग गया। मैं रखूँगा मैथ रीजनिंग इंग्लिश, मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश, हाँ ओके ग्रेट, आई विश कि आप दोनों मेंस लिखे साथ में, एंड विश यू लक। थैंक यू, इट इज़ गुड। ओके, एंड कैसा रहा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड? मैनेजेबल था, कुछ खास नहीं था, मतलब डूएबल क्वेश्चंस आया है क्वांटिटेटिव। एंड रीजनिंग का क्या सीन था? कितने क्वेश्चंस आपने मैथ्स में अराउंड किए होंगे? आप बता सकते हैं क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, लाइक जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आए किस किस टॉपिक से आए, या फिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चन का? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 6 क्वेश्चन था, एक ओके, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दो था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ओके ओके। अच्छा, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अच्छा कोई नहीं, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो किस टॉपिक से रिलेटेड था? एक तो वर्ल्ड टॉपिक था जो कि Is it a news cutting या फिर कुछ ऐसे ही a story based? It was a news cutting. News cutting. Okay. But not really news cutting, but वो मतलब a kind of news cutting. A kind of news cutting. Okay. DI जो कितने DI थे वैसे? DI जो maths में quant में कितने DI? एक था. एक. वो मैंने solve किया है. दूसरा मैंने शायद solve नहीं किया है. अच्छा. जो मैंने छूटा है. एक जो solve किया वो किस पे based था? परसेंटेज एंड जो नहीं सॉल्व हो पाई वो किस पे था? वो ही परसेंटेज था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा था। अच्छा। तो मैंने बाकी सारे सॉल्व किए, वो ज़्यादा सॉल्व। ओके ओके ग्रेट, आपने अच्छा अटेम्प्ट करा है, आई विश कि आप मेंस लिखो, विश यू लक। थैंक यू। कंपैरेटिवली टफ, कितने अटेम्प्ट हो पाए वैसे मैथ्स में? मैथ में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 25 जो आपको टफ लगा वो किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था? इसमें एक पैसेज दिया हुआ था। अच्छा, उसका इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हुआ। अच्छा, इंग्लिश में, मैथ्स में मत मैं पूछ रहा हूं। हाँ, मैथ में ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ था। किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस में? जो मैं चाह रहा था सिंप्लीफिकेशन में, उसमें थोड़ा कम आया। अर्थमेटिक्स में कितने आए लगभग? आया था उसमें, लेकिन उसमें मैं नहीं कर पाया। DI किया आपने? DI किया कि नहीं? DI किस पे बेस था? मैं बता नहीं सकता, बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देता, 25 ही मैथ में अटेम्प्ट किया था। अच्छा अच्छा, टोटल अटेम्प्ट टोटल किया था अपना कितना? 79 इट्स अ गुड अटेम्प्ट, आई विश कि आप मेंस लिखे, विश यू लक। आई विश कि आप मेंस लिखे, विश यू लक। सो सेकंड शिफ्ट का ये अपडेट रहा, जैसे कि अटेम्प्ट की हम बात कर ले तो थोड़ा सा अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंगली बढ़े हैं, एंड बाकी अगर हम लेवल की बात कर ले तो वैसा ही कुछ लेवल आ रहा है, इंग्लिश इजीएस साइड रह रहा है, बाकी मैथ्स में 2 DI हैं इस शिफ्ट में भी, बाकी नेक्स्ट शिफ्ट का क्या अपडेट आता है वो भी हम देंगे सर। अपडेट्स के बने रहिए, देखते रहिए पटना 92.4 FM।